नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा हर साल कार्तिक माह की षष्ठी यानी छठी तिथि से आरंभ होती है। यह पर्व दिवाली के छठवें दिन से शुरू होता है और अगले चार दिनों तक चलता है। इस व्रत में लोग उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, साथ ही छठी मैया की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन छठी मैया की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, मान सम्मान और धन वैभव में वृद्धि होती है। मुख्य रूप से छठ पर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आस्था के इस महापर्व की शुरुआत कब होती है और क्या है इसके पीछे की मान्यता। छठ पूजा का प्रथम दिन नहाए खाए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को छठ महापर्व की पहली परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले घर की सफाई कर उसे शुद्ध किया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं। घर के अन्य सभी सदस्य व्रती सदस्यों के भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। नियम के अनुसार इस दिन भात, लौकी की सब्जी और दाल ग्रहण किया जाता है और खाने में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। छठ पूजा का द्वितीय दिन खरना। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्षमी को भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। खरना तिथि पर तन और मन के शुद्धिकरण का ध्यान दिया जाता है। छठ पूजा का तृतीय दिन डूबते सूर्य को अर्घ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। सायंकाल को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ देकर घाट की ओर जाते हैं। सभी छठ व्रती तालाब या नदी किनारे सामूहिक रूप से अर्घ दान सम्पन्न करते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी कि उगते सूर्य को अर्घ देना। इस दिन सूर्योदय से पहले भक्त पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद लोग प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण भी करते हैं। तन और मन की जबरदस्त शुद्धता का प्रतीक है ये त्योहार। इस पर्व को महिलाएं तन और मन से करती हैं। यही कारण है कि इस पर्व में जबरदस्त शुद्धता, साफ सफाई, परंपरा को निभाने का खास ख्याल रखा जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। व्रत करने वाली महिलाओं को व्रती कहते हैं। इस दौरान व्रती को भोजन के साथ साथ बिस्तर का भी त्याग करना होता है। इस दौरान व्रती को चार दिनों तक जमीन पर सोना होता है। छठ में व्रती का एक अलग कमरा होता है। इसमें जमीन पर एक चादर बिछाकर और एक कंबल के साथ व्रती सोती है। ये इस पर्व की एक अलग ही परंपरा है। एक बार व्रत करने के बाद सालों साल पूजा करनी होती है। छठ पूजा में व्रती बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनती है, जबकि इस त्योहार में शामिल होने वाली सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। छठ पूजा के दौरान महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर पूजा करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ अर्पण करते हैं। इस पूजा की सबसे विशेष बात है कि छठ का व्रत करने वाली व्रतियां महिला हो या पुरुष, अगर एक बार व्रत कर ले तो उन्हें सालों साल ये व्रत करना होता है। व्रत तब तक करना होता है जब तक परिवार के आगे की पीढ़ी में कोई अन्य विवाहिता महिला उनसे ये व्रत ना ले ले। घर की सुख समृद्धि के लिए उपवास करें। पूजा के दौरान परंपराओं का खास ध्यान रखना होता है। सूर्य देवता को अर्पण करने वाले पकवान पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए। एक अलग कमरे में नए चूल्हे पर पकवान को बनाया जाता है। इस दौरान खास ध्यान रहे कि कोई भी पकवान झूठा या खराब नहीं होना चाहिए। यदि झूठा पकवान सूर्य देव को चढ़ जाता है तो परिवार के लोगों को कई समस्या होने लगती है। छठ पूजा से पहले या इस दौरान यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो ये पूजा नहीं की जाती। यही कारण है कि इस पर्व में जबरदस्त परंपरा और शुद्धता का ख्याल रखना होता है। जीवन में जल और सूर्य के महत्व को साक्षी मानकर की जाती है पूजा। छठ पूजा मनाने के पीछे ऐसी मान्यता है कि छठी देवी सूर्य देव की बहन है। बहन को ही प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है।
पूजा के दौरान व्रती जीवन के जरूरी अवयवी में सूर्य और जल की महत्वता को मानते हुए आराधना करती हैं। इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे पूजा की जाती है। बता दें कि षष्ठी मैया यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने के लिए महिलाएं संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए ये पूजा करती हैं। छठ पूजा की तैयारी को लेकर लोग विशेष खरीदारी करते हैं। पूजन विधि में इस्तेमाल होने वाली खास सामग्री घर लेकर आते हैं। तो आइए यहाँ हम आपको बताते हैं कि पूजा में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं जिसके बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन। छठ पूजा में 5 बर्तन लेने होते हैं। इसमें पीतल के बर्तन मिल जाए तो अति उत्तम माना जाता है। अगर नहीं मिल पाते तो नॉर्मल स्टील के बर्तन आप खरीद सकते हैं। इसमें भी 5 चीजें जिसमें कटोरा, चम्मच, थाली, ग्लास और लोटा होना महत्वपूर्ण है। बांस की टोकरी और सूप प्रसाद में रहना जरूरी है। दरअसल छठ में फल लेने का बहुत महत्व है। कम से कम 7 प्रकार के फल लेने होते हैं जिसमें सिंघाड़ा, शकरकंद, केला रहना अनिवार्य है। पूजा में खासकर हरे फल का विशेष महत्व है, इसलिए छठी मैया को हरा फल चढ़ाया जाता है। प्रसाद की सामग्री। छठ पूजा में चढ़ाने के लिए पानी वाला नारियल होना चाहिए। इसके अलावा भोग के लिए दूध, साफ सुथरे गेहूं, चावल और प्रसाद बनाने के लिए गेहूं का आटा और गुड़ चाहिए होता है। इससे ठेकुआ बनाया जाता है जो कि भोग में छठी मैया को प्रसाद के रूप में चढ़ता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रसाद में चावल के लड्डू भी चढ़ते हैं। इसे पिसे हुए चावल और गुड़ से बनाया जाता है। सुपारी, सिंदूर और उठा। सुपारी के बिना पूजा अधूरी है। 5 से 6 सुपारी की पूजा में जरूरत होती है। पूजा के लिए हल्दी और सिंदूर चाहिए। कच्चे चावल को पीसा जाता है जिसे पिठार कहते हैं। इसे हर सूप और पूजन सामग्री पर लगाया जाता है। ये भी छठ पूजा की पूजन सामग्री और विधि में जरूरी माना जाता है। इसके अलावा चंदन, कपूर और कलावा भी होते हैं। घी के दिए। ध्यान रहे कि यहाँ दिया देसी घी के जलाने होते हैं। टोकरी और सूप में जो भी पूजा का प्रसाद रखते हैं उसके ऊपर दिया जलाया जाता है। इसके साथ ही अगरबत्ती भी लगाई जाती है। दियों का इस्तेमाल काफी मात्रा में होता है। कच्ची हल्दी और अदरक के साथ 7 प्रकार के फल जरूरी। पूजा के लिए कच्ची हल्दी और अदरक अनिवार्य है। इसका पौधा बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही मीठा नींबू लिया जाता है। पंचमेवा प्रसाद भी रहना जरूरी है। छठ में फल लेने का बहुत महत्व है। कम से कम 7 प्रकार के फल लेने होते हैं जिसमें सिंघाड़ा, शकरकंद और केला रहना अनिवार्य है। पूजा में खासकर हरे फल का विशेष महत्व होता है, इसके लिए छठी मैया को हरा फल चढ़ाया जाता है। मन्नत पूरी होने पर कोसी भरी जाती है। छठ पूजन में 2 पान के पत्ते और 5 प्रकार के फूल लेने होते हैं जिसमें नीले और काले रंग के फूल नहीं होने चाहिए। इसके अलावा छठ में यदि कोई मन्नत मांगता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है तो छठ में वो कोसी भरते हैं। ये हाथी के आकार का होता है। इसमें ऊपर प्रसाद यानी कि ठेकुआ रखा जाता है और उसके ऊपर दिया रखते हैं। इसके अलावा चौमुखी दिया भी लिया जाता है। सराही लेना भी जरूरी। छठ में प्रसाद चढ़ाने के लिए मिट्टी की सराही ली जाती है जिसकी मात्रा कम से कम 12 होनी चाहिए। इन सराही में प्रसाद रखा जाता है, खासकर कोसी भरने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा कम से कम 2 बड़ी सराही ली जाती है। इसमें छठी मैया को प्रसाद का भोग लगाते हैं। गंगा जल, 4 से 5 गन्ना भी पूजन विधि के दौरान लिया जाता है। मन्नत पूरी होने पर कोसी भरी जाती है। छठ की पूजा 4 दिवसीय होती है। कहा जाता है कि इस दौरान सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके इर्द गिर्द 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। नव ग्रहों में सूर्य राजा माने जाते हैं। सूर्य को पिता का कारक भी माना जाता है। व्रती अगर इनको नियमित रूप से छठ के दौरान अर्घ देते हैं तो घर में बरकत और जीवन में सफलता हासिल होती है। कौन कौन कर सकते हैं छठ? छठ पूजा का व्रत कोई भी इंसान कर सकता है। हालांकि इस व्रत को माँ अपने बच्चों के लिए करती हैं, घर की बरकत के लिए करती हैं। पिता भी छठ का व्रत करते हैं। ये भी देखा जाता है कि कई कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ का व्रत रखते हैं। हालांकि व्रत कोई भी इंसान रख सकता है, बस ध्यान रखना होता है कि इस पूरे विधान के साथ करना चाहिए। बीच में इस व्रत को नहीं छोड़ सकते। इस दौरान जो भी छठ पूजा करे
उनको सूर्यदेव की उपासना करनी होती है, 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना होता है, छठ पूजा के सभी नियमों का पालन करना होता है। सबसे जरूरी बात है कि इस पर्व को करने के बाद उसे हमेशा उसका पालन भी करना होता है। इसलिए जरूरी है कि व्रती बनने से पहले पूजा के बारे में सभी चीजें जरूर जान लें। व्रतियों को विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा में व्रतियों को विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान, गंदे हाथों से प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। सूर्य देवता को जिस बर्तन में अर्घ देते हो वो ग्लास, स्टेनलेस स्टील या चांदी का नहीं होना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद उस जगह नहीं बनाना चाहिए जहाँ खाना बनता है, किसी साफ सफाई वाली अलग जगह पर प्रसाद बनना चाहिए। प्रसाद में केला चढ़ाना जरूरी है। व्रतियों को फर्श पर चादर डालकर सोना चाहिए। किसी भी इंसान को छठ का व्रती बनने से पहले पूजा के सारे नियम कानून अवश्य जान लेने चाहिए ताकि मन से पूजा हो तो सुखमय फल की प्राप्ति हो सके। तो देखा आपने छठ पर्व का क्या महत्व है, साथ ही आज आपने जाना कि आखिर क्यों इस छठ पर्व को मन्नतों का पर्व कहा जाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।